हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सरकार द्वारा पारित तीनों कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी जो मुश्किल है, या कई बार जो व्यक्ति पूछते हैं कि यदि कोई मान लीजिए FIR है और वो 1 जुलाई से पहले 30 जून को या उससे पहले उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, तो यदि ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति बेल एप्लीकेशन या कोई प्रोसीडिंग को फॉरवर्ड करता है तो वो CRPC में जाएगी, या वो नए BNSS जो CRPC की जगह लागू है उसमें फाइल होगी। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग व्यू हैं। तो इसमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही के एक महत्वपूर्ण फैसले में ये क्लियर किया है कि यदि कोई केस, चाहे वो भले ही IPC में दर्ज हुआ हो, लेकिन उसमें 1 जुलाई 2024 के बाद यदि कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए यदि कोई बेल एप्लीकेशन फाइल होगी, तो उसको BNSS में ट्रीट किया जाएगा, ना कि CRPC में। और यदि कोई सरकार जो यदि कोई बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो नए कानून यानी BNSS के तहत उसको माना जाएगा। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।